नमस्कार, मैं ज्योति। आप देख रहे हैं MIM न्यूज एक्सप्रेस। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। संबित पात्रा को तो आपने कई बार अपनी बेइज्जती कराते हुए देखा होगा, जो बार बार हिंदू मुस्लिम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही संबित पात्रा हैं जो मुस्लिमों के खिलाफ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। लेकिन अब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान करते करते खुद को राष्ट्रवादी बता रहे हैं और विपक्षियों को पाकिस्तानी। लेकिन कौन कितना बड़ा राष्ट्रवादी है, ये तो आप लोग बखूबी जानते हैं। चुनाव आते ही भाजपा सरकार को पाकिस्तान याद आ जाता है। संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर ऐसे ही वार किया। आपको बता दें, यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बयानों के वार तेज होते जा रहे हैं। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां पर उन्होंने अखिलेश यादव पर तीखा वार किया। संबित पात्रा ने कहा कि मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जो कश्मीर के भाई बहन पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या वे भारतीय नहीं हैं? उन्होंने कहा कि जिन्ना से जो प्यार करे वो पाकिस्तान से कैसे इनकार करे। उन्होंने कहा कि जो जिन्ना का नाम लेकर उतरे थे और वो आज पाकिस्तान तक पहुंच गए। संबित पात्रा ने कहा, आज मोदी जी, योगी जी उत्तर प्रदेश के वासियों को स्थापना दिवस की बधाई दे रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने एक अखबार से साक्षात्कार में कहा कि वह पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट की राजनीति के लिए पाकिस्तान को हमारा दुश्मन बताती है। संबित पात्रा ने कहा कि अखिलेश उम्मीदवारों का नाम इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो नाहिद हसन जैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि अगर याकूब मेमन को फांसी नहीं हुई होती तो अखिलेश जी याकूब को भी उम्मीदवार बना देते और कसाब को स्टार प्रचार के रूप में उतार देते। उन्होंने आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए पूरी प्रक्रिया की थी। संबित पात्रा ने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि मीडिया वाले ओपिनियन पोल ना दिखाएं। मुझे पता है कि 10 मार्च को ये ईवीएम पर भी बरसेंगे कि ईवीएम मशीन खराब थी इसलिए हार गए। दरअसल आपको बता दें, एक इंटरव्यू में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारा असली दुश्मन चीन है, पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन बीजेपी सिर्फ वोट की राजनीति के चलते पाकिस्तान पर निशाना साध। लोकसभा में सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही यह सवाल उठाया था कि पीओके की 24 विधानसभा सीटों पर हमारे पास सदस्य कब होंगे। तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा कि हम अक्साई चीन तक पहुंचेंगे। लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि गलवान में क्या हो रहा है। वे हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे कारोबार पर कब्जा कर रहे हैं। भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और विपक्षी दलों से सलाह लेनी चाहिए कि स्थिति से कैसे निपटा जाए। निवेश के मोर्चे पर हम चीन के साथ व्यापार करने पर मजबूर हैं। यह एक मुश्किल स्थिति है जहां हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ व्यापार करना पड़ रहा है। हमें अपने उद्योगों को मजबूत करने की जरूरत है, बिजनेस के साथ साथ फौज भी चलती रहे। अखिलेश के इस बयान से आपको क्या लगता है कि वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? संबित पात्रा ने जिस तरीके से उन पर वार किया है, उनको बताया है कि वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देखते रहें MIM न्यूज एक्सप्रेस।